सुहागिनों का सबसे खास पर्व करवा चौथ हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार रहता है। करवा चौथ के दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखता हैं। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति के हाथों पानी पीकर ही महिलाएं ये व्रत खोलती हैं। इस साल करवा चौथ व्रत की डेट को लेकर कंफ्यूजन है, तो यहां जाने करवा चौथ की सही तारीख और चांद निकलने का। करवा चौथ 31 अक्टूबर या 1 नवंबर 2023 कब? करवा चौथ 31st ऑफ अक्टूबर और 1st ऑफ नवंबर 2023 आर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। समय करवा चौथ व्रत उद्यातिथि से मान्य होता है, इसलिए इस साल करवा चौथ 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ 2023 मुहूर्त, करवा चौथ 2023 मुहूर्त। करवा चौथ के दिन स्त्रियां शाम को चौथ माता, करवा माता और गणपति की पूजा करती है और चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है। करवा चौथ व्रत समय सुबह 6:36, रात 8:26। करवा चौथ व्रत समय सुबह 6:36, रात 8:26। करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:44, रात 7:02। 1 नवंबर 2023 चांद निकलने का समय रात 8:26। 1 नवंबर 2022 करवा चौथ क्यों मनाते हैं? करवा चौथ सिग्निफिकेंस। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। उसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को स्त्रियां दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर सरगी खाकर व्रत की शुरुआत करती हैं। उसके बाद महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को स्त्रियां दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार कर तैयार होती हैं और पूजा करती है। उसके बाद शाम को छलनी से चांद देखकर और पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती हैं। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां के करवा माता प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग भी रक्षा करना।
सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे भी सुहाग की रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रख कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया, करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया।